दोस्तों 2500-2500 रुपए के दोनों ही ईयरबड्स से दोनों में आपको एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन फीचर भी मिलने वाला है, लेकिन फिर भी दोनों में काफी फर्क है। क्या फर्क है आइए चेक करते हैं। तो अब तो मैं कंपैरेटिवली मेरी आवाज कैसी आ रही है कंपेयर टू बोट निर्वाणा आयन ENC। तो क्या हाल है दोस्तों आप लोगों के, यहाँ पर आपका एक और रिकमेंडेड वीडियो आ चुका है। आप लोगों के काफी कमेंट्स आ चुके हैं कि बोट निर्वाणा आयन ENC को OnePlus Nord Buds 2 True Wireless Earbuds से कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि दोनों का ही प्राइसिंग वैसे 2500 रुपए के आसपास है। दोनों में आपको एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन फीचर भी मिलने वाला है, लेकिन फिर भी काफी आपको बहुत ज्यादा डिफरेंसेस मिलने वाले हैं दोनों ईयरबड्स में। वो एक्जैक्टली डिफरेंसेस क्या है, मैं बैठ के बिल्कुल प्रॉपर तरीके से दोनों की ग्रिलिंग कर चुका हूं। सारी आप डिटेलिंग चेकआउट करिए टेस्टिंग के साथ, ताकि आपका जो कंफ्यूजन है कि दोनों में से किसको परचेज करना चाहिए, वीडियो का एंड तक पहुंचते पहुंचते आप डिसाइड कर ही लेंगे कि विच वन इज बेटर एंड विच वन यू शुड बाय। सो होप यू लाइक दिस वन, एंड इफ यू न्यू टू आवर चैनल काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एज मच एज पॉसिबल, सो वी कैन मेक मोर गुड स्टफ फॉर यू ऑल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं चेक करने से दोनों के बेसिक डिफरेंसेस को। हियर यू कैन सी कंपेयरिंग द बोट निर्वाणा आयन ENC विद द OnePlus Nord Buds 2 True Wireless Earbuds। बोट में आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.2 मिलेगा, OnePlus में आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.3 मिलेगा। बोट में आपको IPX4 वाटर एंड स्वेट रेजिस्टेंट फीचर मिलेगा, OnePlus में आपको IP55 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट फीचर मिलेगा। बोट में आपको 10mm के डायनेमिक ड्राइवर्स मिलने वाले हैं, OnePlus में आपको 12.4mm के डायनेमिक ड्राइवर्स मिलेंगे, और दोनों में आपको SBC AAC कोडेक का सपोर्ट मिलने वाला है। और बोट में आपको डुअल इक्वलाइजर मोड्स मिलेंगे, बोट सिग्नेचर साउंड, और साथ ही में आपको क्रिस्टल बाइनिक साउंड पावर्ड बाय हाईफाई DSP का सपोर्ट, और यही वाला पार्ट मिसिंग है OnePlus में। दोनों में आपको इंस्टेंट वीक एंड पे टेक्नोलॉजी मिलने वाली है। बोट में आपको डुअल डिवाइस पेयरिंग का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन OnePlus में आपको डुअल डिवाइस फास्ट स्विचिंग का ऑप्शन मिलने वाला है। दोनों में आपको 4 माइक का सेटअप मिलेगा एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन फीचर के साथ। दोनों में आपको गेमिंग मोड मिल जाएगा, और बोट में आपको इन डिटेक्शन फीचर मिलने वाला है जो कि OnePlus में मिसिंग है। और दोनों में आपको एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन फीचर, ट्रांसपेरेंसी मोड मिलने वाला है, और साथ ही में दोनों में आपको एप्लीकेशन का सपोर्ट भी मिल जाएगा। और बैटरी की बात करेंगे, बोट में आपको मैसिव 20 से 24 घंटे का प्ले टाइम मिलेगा ऑन अ सिंगल चार्ज, और वहीं पे आपको OnePlus में 5 से 7 घंटे का प्ले टाइम मिलेगा ऑन अ सिंगल चार्ज। और दोनों की ही बैटरी ENC मोड पे डिपेंड करती है, ENC के साथ म्यूजिक सुनेंगे, कम बैटरी लाइफ मिलेगी, वॉल्यूम पे भी डिपेंड करती है आप कितनी वॉल्यूम पे सुन रहे हैं। और यहां पर आपको मैसिव टोटल 120 आवर्स का ओवरऑल प्ले टाइम मिलेगा बोट में यूजिंग द चार्जिंग केस, और वहीं आपको OnePlus में अप्रॉक्सिमेटली 35 से 36 घंटे का प्ले टाइम मिलेगा ओवरऑल विद द चार्जिंग केस। दोनों में आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलने वाला है, और दोनों का ही प्राइसिंग अप्रॉक्सिमेटली 2500 रुपए। तो यहां पर देखा जाए 2500 रुपए के प्राइस पॉइंट के हिसाब से बोट जो है आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है इस कंपेयर टू OnePlus। यहां पे जो साफ साफ बोलते हैं ना, आगे आपको बोट करता है, इन डिटेक्शन फीचर इसमें आपको मिलने वाला है, साथ में डुअल डिवाइस पेयरिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, और यहां पर आपको मैसिव बैटरी लाइफ मिलने वाली है बोट में। ये वाले सारे पार्ट बोल सकते हैं आपको यहां पे मिसिंग मिलने वाले हैं OnePlus में। तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से आप डेफिनेटली बोल सकते हैं बोट काफी आपको एक्स्ट्रा फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है इस कंपेयर टू OnePlus। अगर आपको फीचर्स चेक ट्रू वाले ईयरबड्स चाहिए, बोट को चेकआउट कर सकते हैं उस हिसाब से। बात करेंगे दोनों के लुक एंड फील की और बिल्ड क्वालिटी की, तो यहां पर आपको दोनों के ही ऐसे लुक एंड फील के आपको केस मिलने वाले हैं। बोट में आप देखेंगे तो यहां पर आपको ऐसे बिल्कुल मोटा सा आपको केस मिलने वाला है, यहां पर टेक्सचर मटेरियल यूज किया गया है केस में ही, काफी बढ़िया लुक एंड फील प्रोवाइड कर रहा है। फ्रंट में आपको बैटरी इंडिकेटर लाइट मिलेगी, नीचे आपको टाइप सी का पोर्ट मिलेगा एक, यहाँ पे रीसेट के बटन के साथ। और वहीं आप OnePlus में देखेंगे तो यहाँ पे आपको काफी प्रीमियम आप बोल सकते हैं प्रोफेशनल लुक एंड फील का आपको ईयरबड्स का केस मिलने वाला है। यहाँ पर आपको ऐसे डुअल टोन मिलने वाला है कलर कॉम्बिनेशन OnePlus से केस में। फ्रंट में आपको बैटरी इंडिकेटर लाइट मिल जाएगी, और बैक साइड में इसमें भी आपको यहाँ पे टाइप सी का पोर्ट मिलेगा और एक रीसेट का बटन मिलने वाला है। और दोनों की जो बिल्ड है, बिल्ड आपको काफी प्रॉमिसिंग मिल जाएगी, बिल्ड को लेकर मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी पर्टिकुलरली। और थोड़े मोटे कैसे दोनों ही, लेकिन आराम से वैसे आप पॉकेट में कैरी करते हैं, बैग में कैरी करते हैं, पोर्टेबिलिटी को लेकर ऐसे दिक्कत नहीं आने वाली है। और केस के लॉक की बात करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं OnePlus का जो लॉक है ऑटोमेटिक ऐसे बंद हो जाता है, इसको आपको ऐसे होल्ड करके रखना पड़ेगा, लेकिन बोट का लॉक यहां पे आपको काफी प्रॉमिसिंग मिलने वाला है, हिंजेस काफी आपको बढ़िया मिल जाएंगे, ऑटोमेटिक बंद नहीं होता है, इसको आपको ऐसे मैन्युअली बंद करना पड़ेगा। तो केस का लुक एंड फील आपको दोनों में से किसका बेटर लगता है वहां पर डिसीजन मैटर करता है। और बड्स की बात करेंगे, बड्स आपको दोनों में ही स्टैम शेप के मिलने वाले हैं, लेकिन साफ साफ जो साइज है आपको बोट के ईयरबड्स का बड़ा मिलेगा इस कंपेयर टू OnePlus। बोट में आपको ऐसे स्टैम शेप के ईयरबड्स मिलेंगे बोट के लोगों के साथ, यहां पर आपको टेक्सचर मटेरियल यूज किया गया है, मैट फिनिश और ग्लॉसनेस आपको कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। और वहीं पर OnePlus में देखेंगे तो छोटे छोटे डिजाइन के आपको ईयरबड्स मिलने वाले हैं, काफी सही लुक एंड फील प्रोवाइड करते हैं, प्रोफेशनलिज्म मुझे ज्यादा बेटर लगी OnePlus के बड्स में एज कंपेयर टू बोट। और दोनों के बड्स का एरिया देखेंगे तो आपको हल्का सा बड़ा एरिया लगेगा बोट के ईयरबड्स का एज कंपेयर टू OnePlus। मेनली आप कानों का साइज मीडियम साइज या बड़े साइज से कान है, उस पर्पस से आप बोट को चेकआउट कर सकते हैं। और यहां पर आप कानों का साइज कैसा भी है, स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, अगर आप प्रॉपर ईयरकप्स लगाएंगे OnePlus आपको काफी बढ़िया फिटिंग मिलने वाली है। लेकिन अगर आप प्रॉपर ईयरकप्स लगाएंगे दोनों में आपको फिटिंग सही मिल जाएगी, अगर आप एक्टिविटीज भी करते हैं, वर्कआउट्स करते हैं, रनिंग जॉगिंग करते हैं, दोनों के ईयरबड्स वैसे कानों से नहीं गिरते हैं। और यहां पर आपको दोनों में ही एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन फीचर मोड भी मिल जाएगा, और दोनों का ही ENC फीचर काफी सही तरीके से वर्क करता है। अगर आप मेनली म्यूजिक सुनते टाइम
एनसी मोड ऑन करेंगे आपको बैकग्राउंड की आवाजें बिल्कुल नहीं आने वाली हैं, लेकिन अगर आप शांति में बैठे हैं, अगर आप यहाँ पे स्टडीज करते हैं, अगर आपको एनसी मोड ऑन करके थोड़ा यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना है, तो आपको थोड़ी बहुत बेटरमेंट प्रोवाइड करेगा बोट एज कम्पेयर टू वन प्लस। थोड़ी बहुत आप बोल सकते हैं आपको यहाँ पे बैकग्राउंड नॉइज ज्यादा कैंसिल करा था बोट एज कम्पेयर टू वन प्लस एनसी मोड में, अगर आप शांति में, अगर आप म्यूजिक नहीं सुन रहे हैं, शांति में अगर आप बैठे ईयरबड्स लगा के आप एनसी मोड ऑन करते हैं तो। अगर हम बात करेंगे दोनों के गेमिंग एक्सपीरियंस की, दोनों में आपको गेमिंग मोड मिलने वाला है, और यहाँ पर अगर आप वन प्लस का ईयरबड्स कंसिडर करेंगे गेमिंग के लिए, अगर आप वन प्लस का फोन यूज करते हो, आपको बेटर कंपेटेबिलिटी मिलने वाली है, आपको लेटेंसी ज्यादा फील नहीं होगी वन प्लस के फोन में अगर आप वन प्लस का ईयरबड्स यूज करते हैं तो। लेकिन अगर आप दूसरा कोई फोन यूज करते हैं अपार्ट फ्रॉम वन प्लस, तो आपको बेटरमेंट मिलने वाली है बोट के ईयरबड्स में एज कम्पेयर टू वन प्लस। दूसरे फोन में कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत लेटेंसी देख सकती है वन प्लस के बड्स में, लेकिन बोट में आपको अप्रॉक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 50 से 60 मिलीसेकंड के आसपास लेटेंसी मिलने वाली है। कोई से भी आप फोन यूज कर लीजिए, अगर आप कोई सा फोन यूज करते हैं तो आपको बेटरमेंट प्रोवाइड करेगा कहीं ना कहीं लेटेंसी पार्ट को लेकर बोट में एज कम्पेयर टू वन प्लस। तो मैं आधा कदम आगे रखूंगा गेमिंग पार्ट को लेके बोट को एज कम्पेयर टू वन प्लस। और यहाँ पर दोनों में आपको एप्लीकेशन का सपोर्ट भी मिलने वाला है, बोट में आपको बोट हेयरेबल्स एप्लीकेशन का सपोर्ट मिल जाएगा, इसमें आप एएनसी मोड ट्रांसपेरेंसी मोड में स्विच कर सकते हैं अपने हिसाब से, और यहाँ पर आपको बोट एडेप्टिव इक्वलाइजर मोड का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको यहाँ पे आउटपुट में कितनी क्रिस्पनेस चाहिए, कितनी आपको क्लैरिटी चाहिए, डिटेलिंग पार्ट चाहिए, यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। यहाँ से आप हियरिंग टेस्ट भी कर सकते हैं, आपके कान कितनी फ्रीक्वेंसीज कैच कर सकते हैं, उस हिसाब से हियरिंग टेस्ट करके आपका आउटपुट प्रोवाइड किया जाएगा बोट में। यहाँ पर आपको मल्टीपल इक्वलाइजर मोड्स भी मिल जाएंगे, इसमें आपको यहाँ पे क्लासिक, जैज, रॉक, पॉप, कैसा आपको आउटपुट चाहिए, यहाँ आपको यहाँ पे कस्टमाइज भी करना है आउटपुट अपने हिसाब से, वो भी आप कर सकते हैं यहाँ पे। साथ ही में टच कंट्रोल्स को भी कस्टमाइज कर सकते हैं कि सिंगल टैप, डबल टैप, ट्रिपल टैप से क्या हो, और यहाँ पर जो इनर डिटेक्शन फीचर है उसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, जो डुअल डिवाइस पेयरिंग का ऑप्शन है उसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ से। और वहीं अगर हम वन प्लस के एप्लीकेशन की बात करेंगे, अगर आप एंड्रॉइड यूजर है तो यहाँ पे आपको हे मेलोडी एप्लीकेशन का सपोर्ट मिल जाएगा, या फिर अगर आप ब्लूटूथ की सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपको ईयरबड्स फंक्शन का ऑप्शन दिख जाएगा, इससे भी आप प्रॉपर कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। अगर आपको नॉइस कैंसिलेशन फीचर ट्रांसपेरेंसी मोड में ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाएगा, मल्टीपल यहाँ पे आपको इक्वलाइजर मोड्स मिलने वाले हैं, बोल्ड, सेरेनेट, बेस बूस्टेड, यहाँ पे आपको बेस वेव टेक्नोलॉजी दी गई, आपको बेस के इफेक्ट्स कैसे चाहिए यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, प्रॉपर कस्टमाइजेशन कर सकते हैं आउटपुट को लेकर। यहाँ पर भी ईयरबड्स के टच कंट्रोल्स को भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं कि लेफ्ट और राइट ईयरबड्स से एक्जैक्टली क्या हो, आई माई ईयरबड्स का ऑप्शन मिल जाएगा, टाइमली अपडेट्स आते रहते हैं। यहाँ पर आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी मिलने वाला है, अगर आपका फोन डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट करता है, यहाँ से आपको एनवायरमेंटल इफेक्ट्स कैसे चाहिए डॉल्बी एटमॉस को लेकर यहाँ से आप सेट कर सकते हैं एप्लीकेशन पार्ट से। देखा जाए दोनों की ही एप्लीकेशन काफी सही तरीके से वर्क करती है, लेकिन फिर भी आपको एक्स्ट्रा फीचर्स साफ साफ मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपको बोट एडेप्टिव इक्वलाइजर मोड का ऑप्शन मिल जाएगा, हियरिंग टेस्ट का ऑप्शन मिलने वाला है, डुअल डिवाइस पेयरिंग को ऑन ऑफ कर सकते हैं, इनर डिटेक्शन फीचर को ऑन ऑफ कर सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा चीजें मिलने वाली है बोट के एप्लीकेशन में एज कम्पेयर टू वन प्लस। तो एप्लीकेशन में आप बोल सकते हैं आपको ज्यादा एनहांसमेंट मिलने वाली है बोट के एप्लीकेशन में एज कम्पेयर टू वन प्लस। अगर हम बात करते हैं दोनों के म्यूजिक एक्सपीरियंस, बेस एक्सपीरियंस और कॉलिंग एक्सपीरियंस की, यहाँ पर आपको दोनों में ही मिलने वाला है डुअल माइक्स का सेटअप एनवायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन फीचर के साथ। यहाँ पर आप हमारे देखिए HDRS हैवी दीक्षा रिव्यू सिस्टम आउटर कंडीशन में दोनों ईयरबड्स के थ्रू। हेलो, हाँ दीक्षा, क्या चल रहा है? बस कुछ नहीं, वो टीवी पे लाइव आ रहा है ना अयोध्या से रामलला के, देख रही हूँ। आवाज तो समझ में आ रही है, लेकिन हवा की आवाज भी मुझे ठीक ठाक आ रही है। हाँ, काफी देर हवा चल रही है यहाँ पे। हाँ, तो बैकग्राउंड नॉइस को लेके, एक्टिविटीज को लेके मेरी आवाज पे कितना परसेंटेज फोकस हो सकती है यहाँ पे अभी? मुझे बैकग्राउंड की एक्टिविटीज से कोई खास नहीं पता चल रही है, लेकिन विंड नॉइस मुझे अच्छी खासी आ रही है, तो अभी 75% तक फोकस बोलूंगी, 75%। हवा की आवाज इसको भी बहुत ज्यादा आ रही है अभी। ठीक है, अब मैं OnePlus Nord Nord 2 से बात करूंगा, बताना कैसी कॉल है। हाँ दीक्षा, हाँ OnePlus Nord Nord 2 से बात कर रहा हूँ, सेम यहाँ पे आउटर कंडीशन में हूँ, रोड के बीचों बीच पर हूँ, हाईवे रोड पे। हाँ, तो आपको मैं कंपैरेटिवली मेरी आवाज कैसी आ रही है कंपेयर टू व्हाट एवर आई एम सी? मुझे पहले से ज्यादा बेटर आ रही है, और अच्छा। पहले विंड नॉइज मुझे बहुत ज्यादा आ रही थी, इसलिए विंड नॉइज कैंसिल हो रही है काफी। बैकग्राउंड नॉइज को लेके? बैकग्राउंड नॉइज आ रही है मतलब थोड़ी सी। अच्छा, लेकिन तुम्हारी आवाज पे फोकस है इसमें ज्यादा बेटर। तो ओवरऑल मतलब कितना परसेंटेज इसमें बोल सकते हो क्वालिटी के मामले में आउटर कंडीशन के हिसाब से? इसमें 80% तक। अच्छा, डिफरेंस है कि मतलब कैसा है डिफरेंस? हाँ, उसमें मुझे विंड नॉइज काफी, उस पहले वाले में विंड नॉइज कैंसिल नहीं हो रही थी, विंड नॉइज काफी आ रही थी, इसमें विंड नॉइज अच्छा। काफी हद तक कैंसिल हो रही है। तो इंडोर कंडीशन में आपको दोनों में ही सही कॉलिंग मिलने वाली है मेनली, अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं, आपका ऑनलाइन क्लास चलता है, आप मेनली इंडोर कंडीशन में बातचीत करते हैं, नॉर्मल आउटडोर कंडीशन में दोनों में आपको सही कॉलिंग मिलने वाली है। लेकिन जैसे आप हैवी ट्रैफिक में जाएंगे, तो मेरी वाइफ बोल रही थी दोनों में जो क्लैरिटी वो आपको सही मिल जाएगी, एक्टिविटीज काफी तक कैंसिल कर रहा था बोट वाला एज कम्पेयर टू वन प्लस, लेकिन विंड नॉइज थोड़ी बहुत कैच कर रहा था बोट वाला एज कम्पेयर टू वन प्लस। तो आप बोल सकते दोनों में आपको डिसेंट कॉलिंग मिलने वाली हैवी ट्रैफिक कंडीशन में, लेकिन फिर भी आपको हल्की सी बोल सकते कहीं ना कहीं आपको बेटरमेंट प्रोवाइड करके कॉलिंग पार्ट को लेकर वन प्लस में एज कम्पेयर टू बोट, या
हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा और मेरी वाइफ का, आपके साथ शेयर कर दिया। अब हम बात करेंगे साउंड क्वालिटी और बेस क्वालिटी की। यहां पर आपको मिलने वाला है बोट में 10 mm डायनेमिक ड्राइवर्स, वन प्लस में आपको 12.4 mm डायनेमिक ड्राइवर्स मिलेंगे। दोनों में आपको SBCAC कोडेक का सपोर्ट मिल जाएगा और एप्लीकेशन से आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं आपका आउटपुट कैसा चाहिए, प्रीसेट्स को लेकर मल्टीपल यहाँ आपको इक्वलाइजर मोड्स मिलने वाले हैं। अगर आप हार्डकोर म्यूजिक और बेस लवर हैं, आप डेफिनेटली आप दोनों में से किसी को भी ग्रैब कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे कैसा आउटपुट चाहिए, वोकल से लेकर आपको फोकस जाना है, बेस पे आपको फोकस जाना है, आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं एप्लीकेशन पार्ट से। और बोट में आपको डुअल इक्वलाइजर मोड्स मिलने वाले, इसमें आपको बोट का सिग्नेचर साउंड मिल जाएगा और क्रिस्टल बाइनिक साउंड पावर्ड बाय हाईफाई डीएसपी का सपोर्ट दिया गया है, जिसमें बेस काफी तक कम कर देगा, वोकल्स पे डिटेलिंग पार्ट पे ज्यादा फोकस डाला जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप बोट के सिग्नेचर साउंड वाले आउटपुट में सुनेंगे, आपको बेटर एक्सपीरियंस मिलने वाला है ओवरऑल, आप बोल सकते हैं म्यूजिक और बेस को लेके। लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर बोलेंगे जो बोलते हैं ना रिच आउटपुट, क्रिस्पनेस पार्ट को लेकर, डिटेलिंग पार्ट को लेकर, वोकल्स को, इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन को लेकर, आपको दोनों में ही सही मिलने वाला है। अपने हिसाब से आप आउटपुट सेट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मेरे को यहाँ पे थोड़ी बहुत बेटरमेंट लगी। अगर आपको रिचनेस से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है तो हल्की फुल्की आप बेटरमेंट बोल सकते हैं। लाउडनेस मामले में आपको बेटरमेंट मिलने वाली वन प्लस में एज कम्पेयर टू बोट, यहाँ पे आपको लाउड थोड़ा एक्सपीरियंस मिलेगा ज्यादा एज कम्पेयर टू बोट। और यहां पर जो बोलते हैं ना डिटेलिंग पार्ट, आपको आउटपुट से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, बेस से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, बिल्कुल आपको परफेक्ट आउटपुट चाहिए, तो आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आपको बेटरमेंट प्रोवाइड करेगा वन प्लस एज कम्पेयर टू बोट। लेकिन बोट में भी आपको काफी इंप्रेसिव आउटपुट मिलने वाला है, आप आउटपुट बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कस्टमाइज करके ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये तो हो गए सारे के सारे डिफरेंसेस, मैंने आपको सब बता दिया एक्जेक्टली कौन किस में आगे है, कौन किस में पीछे है। एंड ऑफ द डे अगर मुझसे पूछा जाए विच वन टू ऑफ फॉर, तो यहां पर अगर आपका बजट 2500 रुपए के आसपास है और दोनों आपको 2500 रुपए के आसपास मिलते हैं, तो भाई अगर आपको फीचर्स से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, आपको यहाँ पे भर भर के फीचर्स चाहिए, आपको मैसिव बैटरी लाइफ भी चाहिए, बोट में आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा बैटरी लाइफ मिलने वाली है। यहाँ पे आपको बैटरमेंट मिलने वाला है ANC मोड को लेके, यहाँ पे आपको बोल सकते हैं कि गेमिंग में आपको कहीं ना कहीं बैटरमेंट प्रोवाइड कर रहा है, तो आप डेफिनेटली बोल सकते हैं बोट की तरफ डेफिनेटली जा सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल फीचर्स चाहिए, ट्रू वायरलेस ईयरबड चाहिए, फीचर्स से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, आउटपुट भी काफी आपको बढ़िया चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपको अगर बिल्कुल 10 टर्म से मतलब नहीं, आपको फीचर ज्यादा मतलब नहीं है उनसे, अगर आपको एक प्रोफेशनल लुक एंड फील के मेनली आपको यहाँ पे बिल्कुल डिसेंट आप हो सकता है, आपको म्यूजिक एंजॉय करना है बढ़िया तरीके से, आउटपुट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, कॉलिंग आपकी अच्छी हो जाए, बाकी आपको ज्यादा गेमिंग से मतलब नहीं है, यहाँ पे आपको मल्टीपल फीचर से मतलब नहीं है, बिल्कुल सिंपल सुपर आपको बिल्कुल एक प्रीमियम सेगमेंट के आप बोल सकते हैं ANC ईयरबड चाहिए, तो आप डेफिनेटली वन प्लस को भी ग्रैब कर सकते हैं, ये भी काफी तो जस्टिफाई करता है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे फीचर से ही फीचर से मतलब है, भाई बोर्ड बिल्कुल एक तरीके से काफी सही तरीके से स्टैंड कर रहा है प्राइस पॉइंट के हिसाब से। तो मेरे बोर्ड की बात करेंगे, पर्सनली मेरा बोर्ड जाएगा, अगर दोनों ही सेम प्राइस पॉइंट मिले तो आप बोर्ड की तरफ डेफिनेटली जा सकते हैं, क्योंकि मेरे कानों में पर्सनली बिल्कुल सही तरीके से फिट भी हो रहे थे, आउटपुट भी मुझे लगा कि हाँ भाई फीचर्स भी काफी बढ़िया मिलने वाले हैं, मैसिव आपको बैटरी लाइफ मिलने वाली है। मैंने आपको तब भी सारी की सारी टेस्टिंग दिखा दी, प्रोज एंड कॉन्स के तब आप पे डिसीजन मैटर करता है, कहाँ आपको मनी इन्वेस्ट करना चाहिए, आपका पैसा है, सारे के सारे पॉसिबल लिंक्स भी दे दी है डिस्क्रिप्शन में, आप चेकआउट करके ग्रैब कर सकते हैं जो आपको पसंद आया प्रोडक्ट। आपको अभी भी कुछ दिक्कत है, कुछ पूछना हो, कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प आउट विद दैट। So this was all about the comparison between the Boat Nirvana Ion ANC with the OnePlus Nord Buds 2 True Wireless Earbuds. Hope you like this one, and as I told you, if you're new to our channel, kindly subscribe our channel, hit the like button, comment, share as much as possible so we can make more good stuff for you all. Thank you for watching this one and see you in the next video. Thank you.